लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू कॉमेडी वीक। अपना कॉमेडी वीक बढ़िया जा रहा है, वीडियोस पे वीडियो स्टैंड अप के आ रहे हैं। सो अपने ऑलरेडी हो गए हैं दो फनी वीडियोस, एक और है वीडियो अभी जो करने वाले अपन, जो है वन ऑफ द बेस्ट, गौरव कपूर। आई थिंक हम लोग ने कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बट पोस्ट नहीं हो पाते। गौरव कपूर का नो बॉल वॉज वन ऑफ दैट। ओह माय गॉड, हम लोग ने वो रिकॉर्ड किया एंड दिस इज मेरा वो नो साउंड का, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर कि पूरे वीडियो में साउंड नहीं था, सो हम लोग वो पोस्ट नहीं कर पाए। और वीडियो का साउंड नहीं, हम लोग का साउंड नहीं था। आई थिंक वन ऑफ द फनीएस्ट रिएक्शंस ब्रो, लाइक बिकॉज़ मैं तो लाइक सीट से अक्षता गिर गई, ऑलमोस्ट नहीं अक्षता गिरी थी सीट पे, मतलब वो वीडियो आप देखते रिएक्शन भाई साहब आप हंस हंस के पागल हो जाते। एनीवेज चलो हम लोग क्या कुछ, वी शुड प्रोबब्ली जस्ट पोस्ट द सीन्स इफ वी स्टिल हैव दैट फुटेज विदाउट ऑडियो का हो सकता है वैसा, अगर देखते लेट सी। एनीवेज गौरव कपूर का नया वीडियो आया है चमन चटोरा। आई हैव नो आइडिया व्हाट चमन चटोरा मींस बट आई एम ईगर टू फाइंड आउट। ओके लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट ऑन गौरव कपूर चैनल, द लिंक इज गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, आई मस्ट टेल यू दैट यू नो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, I'm a very emotional person. और मैं देखता हूँ ना आजकल के नए जमाने के बाथरूम्स, तो मेरा दिल रोता है। हाँ, क्योंकि आजकल बाथरूम में साबुन ही नहीं है। What? सच में आप सब लोग मुझे घूर करके ऐसे मत देखो मिलके कि भैया कहाँ रह रहे तुम। है साबुन है सर, साबुन है, पर वो वाला साबुन नहीं है ना, भट्टा। Oh, like वो सॉलिड लक्स लाइफ बॉय, रिमेम्बर लाइफ बॉय, सर पे मारो सर ही फट जाए। रिमेम्बर लाइफ बॉय जो भै के नाले में गए रोको उसे। और फिर मम्मी कह रही हाथ में थैली पहन के बाहर निकाल। मुझे पता है हाथ में थैली वाला भी सबको समझ नहीं आता, पर जिसको I think boys को आता है समझ, क्योंकि ये boys ही ये सब काम boys को ही करना पड़ता है, अगर क्योंकि ये काम होते भी boys के हाथों से ही है। Did you get that or no? नहीं चलो नहीं पता जाता है। That person has grown from the grassroots level. Yes, yes. क्योंकि उसने हाथ में थैली पहन के नाले के पास सर लगा के गटर से बॉल निकाला, हाथ डाल के मम्मी नहीं निकल रहा। अभी है बाथरूम में साबुन है, बट इट इज ओनली लिक्विड फॉर्म, इट्स ओनली लिक्विड फॉर्म। नहाने बैठो, आपने नोटिस करा है पहले एक साबुन से पूरा शरीर रगड़ देते थे इंसान, अब साला शरीर का हर अंग धोने के लिए नया डब्बा आ गया। देखे नहाने बैठो चार डब्बे लेके बैठना पड़ता है, एंड आई मीन क्या क्या धोमे अलग अलग, मैं नहाने बैठो डब्बे खोलने बैठो यहाँ पे। देखा आपने मुंह धोने का फेस वॉश सर अलग, छाती अलग, ढूंढ ना ब्रो। आई फील गर्ल्स का ये रहता है, बॉयज आई फील एटलीस्ट मेरा तो ऐसा है कि भाई एक दो चीज यूज करता हूँ, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक एक शॉवर जेल और एक शैम्पू, बस ये दो ही चीज, दो डब्बे। ऑल बॉयज डू दैट। हाँ वही तो ये अपने पे लागू नहीं होता भाई, बट जो ये बोल रहा है दैट इज ट्रू, मैंने इसका देखा हुआ है पूरा, चार पांच अलग अलग, सोने के पहले ये वाला, फिर नींद आती है। क्या क्या नाटक है भाई, स्ट्रेस अरोमा, स्ट्रेस रिलीफ ऐसा कुछ तो है भाई। ये लोग धो लो अपनी रिली दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट, भाई मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया, ये अंडरआर्म्स गोरे कर लो। हाँ भाई ये आ गया, ये गोरे कर लो, ये किसका शौक है गोरे करने का है? किस दिन आपने सोचा आज मैं ये गोरे करके जाऊंगा? ये कौन गोरे कर रहा है, ये कौन सा बंदा जिसको मीटिंग में जाकर के और भाई साहब बढ़िया आओ डील डन डील हो जाए, आज आज वो ऐसे ही बगल से बगल लड़ाएंगे तभी मजा आएगा, इसके बाद ही चेक काटूंगा, आज इधर लड़ाओ। ये कौन कर रहा है यार, ये ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया इस वाले में, पूरा दिन नजारे आ जाते। टू लेट, सॉरी, अब तो आपको देखना ही पड़ा, अब तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। और मेरी ना हल्की तोंद आ गई है, पता है हल्की तोंद आ गई है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा नहीं आई है, पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली नहीं आई है, पर इतनी आई है कि मतलब मेरी जितनी भी चड्डी है ना उनके स्ट्रैप बीच में से बुड़ चुके हैं। रिलेटेबल कंटेंट, यस रिलेटेबल, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जॉकी के सारे जॉकी के हालात ये हो रखे होते नहीं, जॉकी के बीच में एकदम ऐसे नहीं लगता काट दिया किसी ने, चड्डी पूरी मुड़ी रहती है। नहीं हर बार बाथरूम में जाओ नई चीज कैसे आ जाती है यार। एक वो आ गया बाथरूम में, आप लोगों ने देखा है बम क्रीम,
बम क्रीम कितने लोगों को नहीं पता, काफी को नहीं पता होगा, आई एम अज्यूमिंग नाम से तो समझ आ ही रहा होगा ना, अगर बम क्रीम है तो मुंह पे लगाने की तो नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है ना। किस दिन एवोल्यूशन में इंसान ने ये बात सोची थी कि हमारे चूतड़ों को भी क्रीम की जरूरत है? किस दिन इंसान ने, आई डिड नॉट नो कि ऐसा प्रोडक्ट है, नंगा खड़ा होके हाथ में क्रीम लेके अपने पिछवाड़ा पे ये कर रहा है, ये इस चीज के लिए जन्म हुआ हमारा, ये करें हम, इस साइड नहीं दिखाई दिया, ये देखो ये हो रहा है। किसने सोचा खुद को लगे वुगली वुगली वुश नहीं अलग होता है भाई, सबकी ऐसा अलग है ना, सबकी किसी की नॉर्मल है, किसी की हेरी है भाई, भंवर अलग बन रहा है हर बार बाथरूम में नई चीज। मेरा क्वेश्चन है हर बार नई चीज कैसे आ सकती है? एक वो आगे देखा आप लोगों ने बाथरूम में लूफा, यू गाइस नो व्हाट इज लूफा? किस किस को नहीं पता, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, भाई को नहीं पता, भाई को नहीं पता, भाई को शाबाश शाबाश शाबाश। और ऐसी बात नहीं है आप चारों ने कभी लूफा देखा नहीं है, अब आपके घर में ही है इसलिए सुना है आपने, वो देखा बाथरूम में टंगा होता है नल के पे झामा वो नहीं होता फूल सा शरीर का, शरीर का स्कॉच ब्राइट अरे ये देखा ये ओह माय गॉड व्हाट टू मच दिस इज आल्सो अ मैजिक शो भाई उसने पिछवाड़े से कबूतर निकाल दिया भाई कबूतर था कि तोता था हर रंग का तोता लेके आया ये पता 3 साल से मेरे घर पे मुझे पता ही नहीं क्या है कसम से मुझे नहीं पता मुझे लगता था मेरी वाइफ को मुझे लगता था मेरी वाइफ को घर डेकोरेट करने का शौक तो उन्होंने बाथरूम का नल का भी सजा दिया नल के बटंगा रहता ना सही है तो एक दिन मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर मतलब नजर तो रोज पड़ती थी आज मेरे कॉन्शियस माइंड में आया कि है क्या चीज साला मैंने देखा जाके रफ सा नेट वाला टेक्सचर होता है नेट वाला तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई होगी पैर की एड़ी साफ करने के लिए क्योंकि पहले भी रहते पुराने वाले घरों में सबको याद हमने स्ट्रगल वाले घर याद है सबको रिमेंबर खुरदुरी जमीन Yes, yes. उसके ऊपर घिसनेगा yes, bro, done it. वो नहीं पत्थर रगड़ लो यहाँ लेकर अब सब लोग ने टाइले लगवा लिए तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई पैर की एड़ी साफ करने के लिए अगले दिन सर पहली बार मैंने लूफा से पैर की एड़ी साफ भी करी और कसम से इतनी ज्यादा सुंदर एड़ी साफ आई मजा आ गया मन करा एड़ी काट के मुंह पे लगा दो इतनी ब्यूटीफुल इतनी ब्यूटीफुल एकदम क्रैक क्रीम वाली एड़ी हो गई सुंदर तो अब मैं लूफा से 3 महीने से पैर की एड़ी साफ कर रहा हूँ This is the context of this joke. अब शुरू होगा तो उस दिन भाई बाथरूम में सर वही रेगुलर अपना नंगा बैठ के नहा रहा था नंगा बैठ के नहा रहा लूफा सेड़ी चमका रहा था दुनिया जहान भूल के लगा पड़ा हूँ आजा भाई पता नहीं मेरे कौन से जन्म के पाप निकल के आ गए मेरे से क्या गलती हो गई सर मैं ना दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई भाई झटके से दरवाजा खोल के मेरी बीवी घुस गई मेरी फटीज का व्लॉग तो नहीं बना रही इसका व्लॉग ना बन जाए यार हे गाइस देखो नंगा पकड़ा गया है देखो दोस्तों ज़ूम इन करके भी कम दिखाई दे रहा है देखो दूर दूर ज़ूम करके भी कम है देखो दोस्तों यार उसके हाथ में कैमरा कुछ बोल सकते यार और सर एक तो इतने गंदे वल्नरेबल हालात में नंगा पकड़ा गया मतलब तो मनुष्य को भी नंगा पकड़ा जाना नहीं चाहिए नंगा होना लगे उसमें दोनों कंसेंट है पकड़ा जाना अकेला पकड़ा जाता है दूसरों को तो झटका मिलता है क्या देख लिया है भाई वो इतना गंद तो गंदे थे वैसे जमीन में बैठा हूँ पूरी कौन इकट्ठी हो रखी तो इकट्ठी हो रखी आएगा आएगा गड्ढा अभी आधा ऑलमोस्ट आधा ही वीडियो हुआ है भाई साहब ओह माय गॉड अब आई आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैड टू पॉज पॉज अरे भाई साहब ये एक्चुअली बहुत टाइम के बाद में पॉज किया हुआ है सगे दुखा लग ले यार चलो चलो लाफ्टर जाना नहीं चाहिए चलो चलो नहीं कई बार आप नीचे बैठो तो पूरा आटा साफ नहीं होता अरे कहाँ गया ये भाई पूरा ये एकदम ऐसे पूरी पूरा आटा ऐसे पूरा लग रहा है खुद को गाली दे रहे मोमो ज्यादा खा गया चापे ज्यादा हो गई तो भाई मेरी बीवी मुझे देख के फुल शॉक्ड फुल क्योंकि हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है ना जलती लाइटों में मतलब कभी कभी तो देखा ही है पर नॉर्मली इंडियन कपल्स एक दूसरे को देखते थोड़ा ना जलती लाइटों में हमारे में है ही नहीं वो कल्चर देखने वाला और देखे करे भी शरीर के हालात ऐसे कर रखे क्या करेंगे आओ तोन से तोन टकराए आओ आओ पेट से खेलेंगे आओ मिलो सीलो सालो
Bhagavat. I cannot. This is getting too out of hand. जरा ज़्यादा pain वगैरह चालू हो गया भाई साहब. मुझे तो ऐसे खास खास के उल्टी जैसे. मेरे को भी ऐसा अभी ये वाली शो मेरे को ऐसा लगा कि मैं खांसते खांसते यक हो जाएगा मेरा. Oh my God, let me compose. भाई वो मेरी वाइफ मुझे देख के फुल शॉक्ड फुल कह रही क्या है ये. और भाई जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मुझे ना स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हुआ कि लूफा की बात कर रही है क्योंकि मैं तो नंगा बैठा हूँ. और भाई साहब जब इतना पानी भरता तो लगा सिकुड़ जाता भाई साहब आपको पता है. कोई शर्माने की बात नहीं है. तो मुझे लगा किसी और चीज के बारे में बोल रही है. तो जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मैं फुल डिफेंसिव, मैंने क्या यही है और क्या है. God damn. तो कह रही थी ये लूफा से क्या कर रहा है. मैं कहा लूफा क्या होता है. कह रही ये तो तेरे हाथ में पड़ा. मैं कहा ये तो झामा है. झामा है इसको मैं रोज साफ कर रहा हूँ. तो भाई मैंने बताया सर मैं 3 महीने से क्या कर रहा हूँ उसके साथ. मैंने नहीं बताया सर 3 महीने से क्या कर रहा हूँ क्योंकि वो तो हर रोज लगी पड़ी मेरे पास आके शावर जल डाल के ला 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 ला. मैंने नहीं बताया मैं 3 महीने से सेहड़ी साफ कर रहा हूँ. और 2 बार तो वॉश बेसिन भी चमका दिया था. एंड जस्ट टू लेट यू नो जिसको नहीं पता दोस्तों, सर आपको नहीं पता उधर आपको नहीं पता, ये नेट वाला लूफा होता है नेट वाला, ठीक है. ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट किचन में भी होता लोहे का. वो लूफा नहीं है. उस पे शावर जल डाल के नहीं रगड़ना नहीं तो पूरी जिंदगी एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर बजेगा. पी 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 मेटल अंदर ही चला गया सर, अंदर ही रहता है. हर बार बात मेरा क्वेश्चन है कि हर बार बाथरूम में नई चीज कैसे आ जाती है. हर बार बाथरूम में नई चीज आ जाती है. एक वो देखा आप लोगों ने वी वॉश. यू गाइस नो व्हाट इज वी वॉश. किस किस को नहीं पता हाथ उठाओ हाथ उठाओ. शाबाश मर्द जात शाबाश शाबाश हाथ उठाओ. भाई शर्माने की बात नहीं, नहीं मैम बताना नहीं इसे हाथ उठाओ भाई. यू आर द ऑनेस्ट पर्सन आई एम टेलिंग यू. मुझे नहीं पता बैठे हैं बताओ किस किस को नहीं. बाकी सबको पता है सर बताओ नहीं तो आंखों में देखे पकड़ूंगा. इसकी मुंडी ऐसे रही. वेरी जेनरिक इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस. ओके firstly we wash does not mean that we all wash together. acha kuch female hygiene ka hai kya we yeah. we wash yeah. acha okay theek hai. kal kahin 4 doston ko bula liya. chalo bhai tooti kholo sare bhai haath dhoenge aaj. we wash is basically for women, it's for intimate hygiene, it's for vaginal hygiene. samajh rahe ladkiyon ko dhone ka alag aa raha hai. और लड़कों को कुछ नहीं कुछ नहीं भाई ये सही बात है. साबुन रगड़ते रहेंगे क्या. या ये क्या लाइफ बॉय तंदुरुस्ती की रक्षा. यार मैं पिछली बार 4 डब्बे लेके नहाने बैठा होता यार. जब वो नहाते नहाते एक डब्बे में कंफ्यूज हो गया. शायद मैंने उस डब्बे पे ध्यान नहीं दिया और यार मैंने गलती से वी वॉश से मुंह धो दिया यार. मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया यार. लगा इज दिस द पनिशमेंट. इज दिस द पनिशमेंट टू नेवर गो डाउन इन माय लाइफ. ए यो ब्रो मुझे पता आधी जनता को समझ ही नहीं आया. भाई साहब नहीं चमका ये दोनों लड़कों के तो चेहरे पे है. क्या भैया क्या बोल रहा हूं. क्यों हंस रहे ये लोग. कुछ वेयर हाउस की बात हो रही है क्या. लेकिन दोनों को समझ नहीं आया. और पीछे अंधेरे में मैंने कपल देखा है उधर कपल. वो लड़की ने लड़के को बोला तुम्हें तो पता. अरे मेरे चमन चटोरे. God damn! मैं क्या लगा यहाँ पे चाट पापड़ी की बातें होंगी क्या. ये वाला तो बहुत ही गंदा है यार. ये तो नहीं बोलना चाहिए किसी को चमन चटोरा. And you know what is the worst thing about this joke? That now you will remember me. In one of the most weird moments of your life. Now I will be there. God damn. Now it is always going to be a threesome. Crazy. पता कहाँ पे जाके आज कहाँ पे एकदम पता कहाँ जाके याद आऊँगा जब एकदम माहौल में क्या मैं चमन चटोरा. हाँ तू ही चमन चटोरा. Oh my God. Bro. Bro killed us.
लेकिन मेरे को ना गौरव का जो ऐसा वो जो एक्सप्रेशन वगैरह भी देता है ना That is also very funny. यार मेरे को बहुत funny लगते हैं। I तो actually start visualizing like you know ऐसे वो इतना in detail he describes the situation. और ये सब चीजें ना you know जैसे वो तोंद का सबके साथ हुई और तभी आपको रियल होता है साला ये तो हुआ हुआ All right. God damn मैं यार क्या मतलब मेरे को ये दुखने लग गया भाई साहब My throat is paining, my stomach yeah. is paining. Oh my god. But you know what? All in all, amazing video, bhai saab. Itna kafi time ke baad mein hum log hase hain. And I think latent ke reaction mein log itna haste hain. But this, like, ekhata contestant ke liye. But this, I think, throughout. Jo 5 minute ke baad mein jo chalu hua hai, bhai saab, non-stop tha, yaar. Crazy, man. This guy is super funny. Loved it. और फिर परफेक्ट उसने बोला कि मतलब अब भी जोक स्टार्ट होगा अरे एक्चुअली अरे लेडीज एंड जेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स चलो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे वी होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो इफ यू डिड बी श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन